अबे दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और सखा में तो जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। यार दोस्तों आज का सबसे बड़ा विचित्र है दोस्ती, पैसा और उसके बाद में मदद। तीन चीजें बड़ी मायने रखती हैं। अगर कई लोग बोलेंगे कि दोस्ती तो बराबर वालों में होनी चाहिए, कई लोग बोलेंगे दोस्ती उसके बाद में फिर मदद कैसी होनी चाहिए, फिर यहाँ पर पैसा कहाँ से आ गया, कई लोग बोलेंगे इस चीज को। लेकिन यार देखो दोस्त, ऐसा होता है कि दोस्ती दोस्ती होती है, पैसा पैसा होता है, मदद मदद होती है। अब किसी के पास हो सकता है मन मिल गया है, एक के पास पैसा है, दूसरे पर नहीं है। लेकिन आज के जमाने में सब लोग क्या करते हैं ना, पैसे को अहमियत देते हैं, दूसरी चीजों को अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन जुगानी टाक से एक ऐसा आपका मंच है जिसमें कि कभी भी हमेशा पैसों की बात तो होती है, लेकिन इस साइड से कभी आपकी कोई डिमांड नहीं होती, कभी ख्वाहिश नहीं होती है। सिवाय एक चीज के कि आप दोस्तों इस परिवार का हिस्सा बनो, इससे जुड़ो, इसको आप सब्सक्राइब करो, या हो सकता है तो अगर आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं कि नहीं आप बोल सकते हो सबके सामने, तो यस यार मेंबरशिप ले लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, फ्री आप कास्ट है। यस मेंबर्स के लिए आपने अगर अपनी बात रखी है तो डेफिनेट है मैं करूंगा। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। यार कॉन्टेक्ट नंबर का क्या रखा है कॉन्टेक्ट नंबर में, फिर वही बातें हो जाती हैं कि मेरी जो पर्सनल, जिसको बोलते हैं ना पर्सनल जो दखलंदाजी है वो खत्म होगी, जिसको बोलते हैं कि यस मेरे काम में व्यवधान पड़ना, वो व्यवधान उत्पन्न होगा। भाई देखो ये जो चैनल है ये केवल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, आप लोगों के लिए है, ये आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए है। अगर आप ये समझते हो कि मुझे इससे बेहतर मंच मिल सकता है, मुझे इससे बेहतर गाइडेंस मिल सकती है, या इससे सरल और आसान भाषा में और कोई समझा सकता है, या आपको ऐसा भी लगता है कि भाई यहाँ पर तो गंवारपन है, यहाँ पर तो देसीपन है, यहाँ पर तो अल्हड़पन है, तो भैया मेरे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उसके बाद में बड़ी विनम्रता से आप कहीं पर भी और ज्वाइन कर सकते हो, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन रही बात अगर दोस्ती किया है, अगर परिवार माना है, अगर अपना मददगार माना है, अगर यस आपने सोचा है कि मैं यहां से जितना मैं अब तक कर रहा था उससे कहीं अच्छा, मुझे अगर मैं यहां से जुड़ता हूं मुझे करने की सीख मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मेरे अंदर एक मेरा डायनेमिक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, तो यस आप जुड़ सकते हो, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, यस। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो फिर उसके बाद में आप यह स्वतंत्र हैं, जयराम जी की। चलिए अब बात कर लेते हैं यार बड़े मुद्दे की और बड़े मार्के की। आपको पता होगा मैंने बताया था आज मुझे बहुत बड़ी फीडबैक मिली है, और वो चीज बताना बहुत जरूरी है। मेरे गांव के एक मेरे पिताजी के टाइम के जब वो यंग होते थे, झिनकुन भैया शिव प्रसाद उनका नाम है स्कूल का या जो भी डॉक्यूमेंट्स में सनाफ राम दे, उनके लड़के छोटे लड़के, उनके पांच लड़के हैं। क्योंकि आपको पता ही है जो अभी हम लोग तो उसके बाद में सोचते हैं कि भाई देखो कि हम बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे, परवरिश कैसे देंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारे इस पे मत हैं, कितने बच्चे पैदा करो कितने नहीं करो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो हमारे तो दो ही हैं, हमारे तीनों भाइयों के दो दो ही लड़के हैं, और हमारी एक बहन है, बहन मतलब उनके भी दो ही बच्चे हैं। तो हमारे दो वाली पॉलिसी अपनाई है। तो अब उनके पांच लड़के हैं, सबसे छोटे लड़के उनके राहुल का एक्सीडेंट हो गया था रक्षाबंधन के दिन। उसके बाद में घर पे कोई नहीं था, मेरी वाइफ थी, मेरे दो लड़के थे, बड़े छोटे वाले लड़के की बीकॉम एलबी कर रहे हैं वो। तो अब सब लोग बोलेंगे कि आप लोग अपने आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो, तो बच्चों को मैंने यही बोला भैया अपना साल वाल वेस्ट नहीं करना, आराम से अपना करते रहना, जो भी करना द बेस्ट करने की कोशिश करना, नहीं होता तो छोड़ देना यार, कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो उनका भी एग्जाम हो गया, तो वो भी थे, बड़े वाले सुपुत्र जी भी थे, दोनों लोग थे। अब बड़े वाले सुपुत्र जी ने क्या किया, फोन कर दिया, बोले पापा झिनकुन दादा रो रहे हैं। अब पूरी रात काली हो गई, मैं उसके बाद में दो तीन दिन वीडियो शाम का डाल नहीं पाया। चलो ठीक है, उनका प्रोसेस चल रहा, एडमिट हुआ, बच्चा खतरे से बाहर है, गोरखपुर उसके बाद में ट्रांसफर किए, गोरखपुर से लखनऊ ट्रांसफर किए, आज वो राम मनोहर लोहिया में
वहां पर उनके लड़के का ट्रीटमेंट चल रहा है। बात वहां पर क्या चल रही है, बात यहां पर चल रही है कि वकील साहब थोड़ा सा बड़े आदमी है। अब यहां से लेकर के गोरखपुर तक मैं मॉनिटर कर रहा था। गोरखपुर के बाद में फिर जब लखनऊ चले गए तो वहां पर ठीक है, वकील साहब भाई सबके उतने ही प्रिय हैं वो। तो उन्होंने खाली इतना बोल दिया, बोला यार ठीक है प्राइवेट में कर देते हैं, अगर सरकारी उसमें दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, खर्चे कुछ चिंता मत। लेकिन अब अगले को यार देना तो पड़ेगा, अगले को मालूम है देना तो पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं आज जब लड़का वहां पर रमनोलैया में जब हमारे पास आया तो हमने बात कर रमनोलैया में एडमिट करवा दिया। तो ठीक है ट्रीटमेंट चल रहा है, 2000 रुपये पर डे लग रहा है प्लस मेडिसिन के और इसके चार्जेस लग रहे हैं। अभी तक गोरखपुर में और बस्ती तक में उसके खर्चे नहीं हुए थे, जो उनके पर्सनल खर्चे थे वही हुए थे। तो अब कुल मिलाकर के बात यहाँ पर आ रही है कि लोगों का सेंटिमेंट कहाँ पर जाता है। अब लोगों का सेंटिमेंट यहाँ पर चला गया जबकि हम दोनों ही भाई हैं। अब कि मतलब फलाने भैया ने मेरा काम फ्री ऑफ कास्ट करवा दिया था, फलाने भैया ने बोला है कि नहीं चलो ठीक है प्राइवेट में डाल देना, मतलब मेरा ज्यादा खर्चा हो गया। जबकि मैं सही बताऊं मेरे से ज्यादा हेल्पफुल, मेरे से ज्यादा किसी के बारे में क्योर करने वाले वकील साहब, उनका पैसा ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा उनको जो भी लोग समझे। बट ये बात आपसे बोलनी बहुत जरूरी थी कि यार देखो मदद करनी है ना, लेकिन अगला आदमी चाहता क्या है, सबसे जरूरी क्या हो जाता कि अगला चाहता क्या है, आप उसकी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, और उसके बाद में वहां पर सबसे बड़ी क्या किस चीज की व्यवस्था आ जाती है, व्यवस्था आ जाती है अर्थ की। अब वो आज के टाइम पर जान रहे हैं कि यस यार इसके चार लड़के कमा रहे हैं, यस यार इसने अच्छा खासा अपनी हर चीज को डेवलप किया हुआ है, इसकी हर साल की एनुअल इनकम कितनी है, इसकी दूध से इनकम कितनी है, इसकी खेती से इनकम कितनी है, इसके बच्चों से इनकम कितनी है, इसकी प्रॉपर्टीज कितनी है, इसकी कितनी है, हर चीज जान रहे हैं। लेकिन मैंने क्या सोचा, यस तो उन्होंने उसके उसके लिहाज से बात किया कि भाई अगर वहां पर नहीं हो रहा तो यहां डाल देते हैं। तो शाम को उनका फोन आया था, बोला भैया ऐसे ऐसे है आपने बड़ी क्या, नहीं बोला नहीं, आदमी को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब तुम उस लायक हो कि मैनेज कर सकते हो तो उसके बाद में तुम्हें करना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो यह आपको देना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि आपको सबसे पहली तो जान को बचाने की चीजें होनी चाहिए ना, उसके बाद में हर चीज तब की तब देखी जाएगी। आप यहां पर भी पैसे का उनके होते उनके रिश्तेदार थे, उनसे हुई हमारी बात। बोले यार देखो हमारा घर है, हमारे घर में हम लोगों की सोच एक है, हम लोगों की समझ एक है, और हमेशा हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपको बोला कि आज इस सब्जेक्ट पे क्यों ना बात कर दी जाए। यार किसी की मदद भी कर रहे हो ना, तो मदद करने के बाद में अब उस समय आप क्या सोचोगे। अब उस दिन की बात और थी, फिर उसके बाद में आज 4 दिन हो गया, लड़का खाने पीने लगा, घूमने लगा, उठने फिरने लगा, ये हो गया हो गया, उसके बाद में फिर बात समझ रहे हैं। तो वहां पर कोई पर्सनल टाक नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन मींस क्या हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं कि आप किसी की मदद करना चाहते हो, उसके बाद में मदद के बाद में अपने परिवार के 2 लोग मदद कर सकते हो, सबकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, सबकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, सबकी थिंकिंग अलग हो सकती है। लेकिन कम से कम जो नीडी है ना, नीडी मीन्स अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो नीडी कौन है, मैं थोड़े नीडी हूँ यार, मेरा क्या स्वार्थ है आपसे। मीन्स तो आपको उन चीजों को सोचना चाहिए कि यस यार यस कहीं ना कहीं अगर अच्छा मंच मिलता है तो यस उनको ज्वाइन करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइप से हो रहा है कि मेरा वहां पर मेरा दोहन हो रहा है तो यस ज्वाइन टॉक्स में आपका वेलकम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए आप अपनी एजुकेशन को, आप अपने सीखने की ललक को, यस भैया मैं आप ही के साथ जुड़ा हुआ हूं, नो। आपको जहां से भी ज्ञान मिलता है आप वहां से ज्ञान लो, आपको जहां से भी अच्छा लगता है, आपको जहां से भी समझ लगती है तो यस वहां से लो। लेकिन आपको लगता है कि यस यार ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन अदर्स, तो यस मेरे साथ आप जुड़िए। लेकिन जुड़ने के बाद में कम से कम जो एक
बोलते हैं ना दोस्ती की, दोस्ती में वफादारी की, दोस्ती में एक उसकी, तो उसको हमें भी आप जो है कोऑपरेट करिए। बस समझ रहे हैं। तो पैसा कमाने के साथ साथ नियत कमाना, करेक्टर कमाना, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताऊं यार, अभी दो सिर्फ और सिर्फ दो जो है पर्सनालिटी के होते हैं। एक पर्सनालिटी होती है, एक आदमी क्या करता है ना, चूहे जैसा कुतुर 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 करता है। सही बता रहा हूं मैं, इन्वेस्टर्स की केवल दो पर्सनालिटी हो तो चूहे जैसा कुतुर कुतुर करेगा, उसके बाद में वहां से भाग जाएगा, ये कर जाएगा, कर जाएगा। और एक पर्सनालिटी होती चुपचाप लगा रहेगा, एसआईपी जा रहे जाने दो, जब लमसम करना होगा तब चुकेगा, उसके बाद में जब उसको निकालना होगा तब उठेगा, शिकार करेगा, खाएगा, बच्चों खिलाएगा, करेगा करेगा चलेगा। तो दो पर्सनालिटी है, आपको कौन सी बननी, चूहे वाली कुतुर कुतुर वाली चलनी है तो मेरे साथ नहीं चलेगा, आपको शेर वाली पर्सनालिटी के साथ चलना है, यस लमसम चल रहा है, चलने दो, सोते रहो चुपचाप, सोते रहो जब भी मौका आता है, सॉरी एसआईपी चल रही, चुपचाप चलने दो, चलने दो, सोते रहो आराम से, चलने दो उसको, लमसम का मौका आएगा आपको मैं जगा दूंगा, यार भाई उठ जा थोड़ा सा लमसम कर ले, आपको रिडीम करने का मौका आएगा, यस उठो साला बाघ के जैसे, निकालो अपना, एंजॉय करो। क्योंकि यार हर चीज पैसे में नहीं है, हर चीज सिर्फ और सिर्फ पैसे में नहीं है, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी में भी डिपेंड करता है। अगर आप पैसे के साथ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर रहे हो तो मींस आप अपने साथ ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने संस्कारों के साथ बहुत बड़ा गलत कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूं। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आपको अगला आदमी शक की निगाह से देखेगा। कभी भी कुतरने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो चूहे जैसे आओगे, दो दाना खाओगे भाग जाओगे, दो दाना खाओगे भाग जाओगे, और एक बार क्या होगा कि सीधे सीधे जो है ट्रैप हो जाओगे, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। बात मेरी समझ रहे हो? अगर समझ में आ रही है तो उसके बाद में कल है संडे, कल आप लोगों के लूंगा मैं सारी सारी क्यूरीज, क्यूरीज को आपके क्लियर करूंगा। आज मैंने बोला ये मोटिवेशनल वीडियो जरूर मैं आपको डालूंगा, क्योंकि वो लड़का अभी खतरे से बाहर है और दो दिन तीन दिन हमने जरूर उसको समय दिया है। और जिनगुन भैया हमारे, मैं सही बताऊं कि बहुत मदद करी थी उन्होंने मेरे पिताजी की, उन्होंने उन डॉक्टर को, बस्ती के डॉक्टर को बोला कि बोला उन भैया का फोन आ रहा है, मैं सही बताऊं तो उन्होंने बोला आप कौन है उनके, उन्होंने बार बार बोला है और उसके बाद में किया रिक्वेस्ट किया है, किया है, बोला हम उनके आदमी है, सारे चिल्ला करके बोले। जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने बोला वो सारे मेरे भाई है, फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है, सोच का फर्क है। अब उन्होंने जो समझा, जो नजरिया दिया, तो बस अगर आप हमारी टीम हो तो टीम है, आप हमारे भाई हो तो भाई हो, आप हमारे परिवार हो तो परिवार हो। बाकी मैं यहीं पर क्लोज करता हूं क्योंकि अभी सेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और बस उसके बाद में कल मिलते हैं, क्वेरीज को सारी को कवर करते हैं और किसी न किसी टॉपिक पर। अगर यह सारी जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं, थोड़ा बहुत मोटिवेट करती हैं, थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, थोड़ी बहुत सामाजिक एनर्जी आती है, तो इस डेफिनेट यार रिवार्ड हमें भी किया करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब,